हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग से सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो यहाँ पे है राधिका किडनैप, अंकित ने किया है राधिका को किडनैप। और यहाँ पे राधिका के पापा गिड़गिड़ाए जा रहे हैं अंकित के सामने कि प्लीज़ मेरी बेटी को जाने दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं गुनगुन को छोड़ दूंगा, समर को भी छोड़ दूंगा। यहाँ ने अंकित ने रख दिया है शर्त, और वो शर्त ये है कि गुनगुन को छोड़ो और तुम लिखित दो कि जो भी फॉल्ट था मेरा मेरी बेटी का था, हम लोग गलत थे, ना कि गुनगुन गलत थी, गुनगुन सीता की तरह पवित्र है। बस हो गया ना बात यहाँ पे ख़त्म। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गुनगुन और समर वापस आ जाएंगे। और वहाँ पे समर की मम्मी जो बेचारी खाती पीती नहीं है, डिप्रेशन में रहती है, पर वो वहाँ पे लिपस्टिक लगा के अपने बालों को खोल के आराम से ऐसे ऐसे लहराते हुए बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि उनका बेटा और बहू दोनों जेल में है ना, तो उनको तो वहाँ पर सदमा लग गया ना, ऐसे बालों को खोल के बैठी हैं। तो यहाँ पे राधिका के पापा गिर गिरा रहे हैं वहाँ पे कि मेरी बेटी कहाँ है। समर की मम्मी को भी बोलने का मौका मिल रहा है। समर की मम्मी ने भी बोल दिया कि आपको तो पैसे का बहुत घमंड था, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। अब पता चला ना, बेटी जेल जाने, अब बेटी कहीं चली जाए तो क्या होता है, जैसे मेरा बेटा जेल गया है और उनकी तो बहू भी जेल गई है, तो बहू के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकती, पर यहाँ पे बेटे की दुहाई तो देके बोल ही सकती है। एनीवेज अभी देखते हैं, राधिका को तो अंकित छोड़ ही देगा अगर गुनगुन को राधिका के पापा निकालते हैं तो। अब राधिका के पापा को तब गुनगुन को निकालना ही पड़ेगा विद ऑल द शर्ट्स जो जो अंकित ने बोला है कि ये तुमको करना पड़ेगा और ये आप करो, उसके बाद ही मैं राधिका को छोड़ूंगा। तो अब तो कल तक आपको गुनगुन भी नज़र आने लगेगी और समर भी नज़र आने लगेगा। पर ऐसे फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहती हूँ कि मुझे समर नज़र आया है। मेरी दो सब्सक्राइबर्स, मेरे दो यूट्यूब फैमिली में से दो फैमिली मेम्बर्स हैं जो मुझे बोली थी, एक चंचल माला जी और एक मुझे तारूबेन भट्ट जी। ये दोनों ने मुझे बार बार बोला है कि आप एक बार देखो, स्पेशली तारूबेन भट्ट जी, ये मुझे बार बार मुझे इंसिस्ट की आप समर के दूसरे ब्लॉग्स आप देखो, उसमें समर नज़र आएगा। और मैंने देखा, मुझे वहाँ पे समर नज़र भी आया है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनकी ये कहानी सच्चाई है कि मनगढ़ंत है, कि हमें बनाने के लिए ये लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए इस कहानी बना रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत पजल्ड हूँ। एनीवेज देखते हैं कल क्या होता है, गुनगुन वापस आती है कि नहीं और समर वापस आता है कि नहीं। तो देखते हैं और चलते हैं फिर मेरे नए ब्लॉग के साथ। तो आज मेरा ब्लॉग अगर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो चैनल नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।